देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों ने बढ़ाई चिंता। रतिया पुलिस प्रशासन ने कसी कमर, बिना मास्क वालों का किया जा रहा है चालान, पुलिस चला रही जागरूकता अभियान। फरीदाबाद में मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस वे निर्माण कार्य के गड्ढे में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, कहा ऑफिस से निकलते वक्त साथ में दूसरा युवक, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कैथल की एंटी नारकोटिक्स सेल ने 50 लाख की हेरोइन के साथ दो को पकड़ा। पाड़ला रोड पर बगैर नंबर की स्कूटी पर जा रहे थे तस्कर, मानस रोड से सीवन बाईपास तक करते थे सप्लाई। और रोहतक, दुल्हन गोलीकांड में आरोपी साहिल गिरफ्तार, पुलिस ने उत्तर प्रदेश से आरोपी को दबोचा, गाड़ी रोककर दुल्हन को मारी थी 3 गोलियां, एक तरफा प्यार में दिया था वारदात को अंजाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। वक्त है मेट्रो सिटी का, मेट्रो सिटी की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें, और इस वक्त की ये बड़ी जानकारी हम फरीदाबाद से आपको दे रहे हैं। फरीदाबाद से जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि जिले में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए हैं। मेन मार्केट में लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, दुकानदार भी नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिले में मिले हैं कोरोना के 7 नए मरीज, बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं फरीदाबाद से। तो फिर से पैर पसारने लगा है कोरोना, कोरोना को लेकर लोग लगातार लापरवाह नजर आ रहे हैं, और इसी की वजह से अब मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। ये बड़ी जानकारी फरीदाबाद से आपको बता रहे हैं, जहां पर 7 और नए मामले सामने आए। फिर से पैर पसार रहा है कोरोना फरीदाबाद में, क्योंकि फरीदाबाद जिले में 7 और कोरोना के नए मरीज सामने आए। और जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि न केवल दुकानदार नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बल्कि आम लोग भी कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, और इस बीच में 7 नए मरीजों का सामने आना कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय है। और फरीदाबाद से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रिंकू, 7 नए मामले कोरोना के सामने आना वाकई में बड़ी चिंता का विषय है। जी बिल्कुल, बता दें फरीदाबाद में अब जो कोरोना है दोबारा से पैर पसारने लगा है, ऐसे में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 34 पहुंच चुकी है, और जो मार्केट में लोग बिना मास्क के घूमते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी बन चुकी है, और लोगों को अब लोगों को जो है कि वो मास्क से और जो क्या कहते हैं सैनिटाइजर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसे में जो लोग हैं वो बिना मास्क के घूमते हैं, हाथों में अब सैनिटाइजर लगाना छोड़ दिया है। फिलहाल बता दें जो मेले आजकल लग रहे हैं या शादी लग रही है उनमें भी जो लोग हैं वो बिना मास्क के घुस रहे हैं और अपनी कोई सावधानी नहीं बरत पा रहे। जी बहुत शुक्रिया आपका रिंकू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और चलिए अब रुक करेंगे सोनीपत का। सोनीपत से एक बड़ी जानकारी आज निकलकर सामने आई, जिसमें कहा गया कि यहां जो सिंगू बॉर्डर पर निहंग थे उन निहंगों ने अपने टेंट उखाड़कर अब घर लौटना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, सोनीपत के कुंडी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां निहंग जत्थेबंदियों ने वापस लौटने की तैयारी कर ली है। कुंडी बॉर्डर पर धरने पर बैठे निहंग बंदियों की माने तो वो अपने डेरे गुरदासपुर लौट जाएंगे। ये निहंग जत्थेबंदियां पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले हैं, जो आंदोलन में शामिल होने के लिए यहां पहुंचे थे, और अब इन्होंने अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, अपनी पैकिंग शुरू कर दी है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सामान को ट्रकों में भरना भी शुरू कर दिया। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जब निहंग यहां अपने टेंट उखाड़ कर ट्रकों में अपने सामान को भर रहे थे, उस वक्त की ही ये तस्वीरें आपको हम इससे पहले दिखा रहे थे। निहंगों का यह कहना है कि उनको आदेश मिले कुंडली बॉर्डर से, निहंग वापस लौट रहे हैं, निहंग जत्थेबंदियों ने वापसी की पूरी तैयारी कर ली है। इनका यह कहना है कि वापस जाने के आदेश उनको मिले और इस आदेश के बाद ही वो अपने सामान को यहां से इकट्ठा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अपने डेरे गुरदासपुर के लिए ये लौट रहे हैं, और निहंगों ने ट्रकों में अपना सामान भी भर लिया है, जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे हैं। तो अपने आप में ये बड़ी खबर, और ऐसे समय में ये खबर सामने आ रही है जब 7 दिसंबर को एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, और आंदोलन को 4 दिसंबर की बैठक में जारी रखने का फैसला किया गया। अभी कोई संभावना नहीं है, तैयारी है, किसान यूनियन में बाबा जी को समाप्त कर गए हैं। देखो आप बाबा जी आए तो क्या कर बताते हैं। हाँ, वो अपना मीटिंग होगी अपना किसानों की। अच्छा, बाकी मसले होंगे रहने के साथ रात सारे खिला रहे सूत्र नहीं होंगे काम घोड़े का। अच्छा, ये कौन सा जत्था जा रहा है? ये पंजाब से।
नहीं, क्या नाम था इस जत्थे का? पंथ अकाली गुरु नानक दल मड़िया वाले। आप पंजाब जा रहे हो? तो आपने सुना, उन्होंने बताया कि हम पंजाब जा रहे हैं, आदेश हमें मिले हैं और इसलिए हम यहां से अपने टेंट उखाड़कर घर वापस लौट रहे हैं। और अपने जत्थेबंदी का नाम भी वो बता रहे थे। तो कुंडली बॉर्डर से निहंग वापस लौट रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, बहुत कुछ इसलिए कहती हैं क्योंकि जिस तरीके से पिछले एक साल से निहंगों ने यहाँ पर डेरा डाला हुआ था, हालांकि इससे पहले भी ये खबरें सामने आई थी, जब आपको याद होगा कि एक शख्स का निहंगों की ओर से हाथ काटा गया था और उन्होंने कहा था कि ये हमने काम किया है, जानबूझकर किया है, क्योंकि बेअदबी से जुड़ा ये मामला है। उसको लेकर ही बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे और उस दौरान भी ये खबर सामने आई थी कि निहंग बहुत जल्द आंदोलन से अब वापसी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मगर अब ये निहंग जो हैं अपने घर वापस लौट रहे हैं। सोनीपत से लाजपत वहां से जुड़ गए इस खबर पर जानकारी और बातचीत के लिए। लाजपत, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वजह रही जो निहंग यहां से वापस लौट रहे हैं, क्योंकि जो 4 दिसंबर को बैठक हुई थी उसमें साफ कहा गया था किसानों की तरफ से, किसान नेताओं की ओर से, कि अभी घर वापसी नहीं होगी, हम घर वापस नहीं जाने वाले, और एक तारीख उन्होंने रख दी थी 7 दिसंबर की, लेकिन उससे पहले ही इन निहंगों की अचानक से घर वापसी। जी बिल्कुल, देखिए 3 कृषि कानूनों को लेकर लंबा दौर हो चुका है और सिंगू बॉर्डर एक ऐसा बिंदु पॉइंट है जहां पर किसानों की एक बैठक जारी रहती है और सरकार की भी एक बैठक जारी रहती है। ऐसे में 11 दौर की बैठक सरकार से पहले हो चुकी है, लेकिन देखते प्रधानमंत्री से ने जब से 3 कृषि कानूनों को वापस लिया है उसके बाद कहीं ना कहीं सिंगू बॉर्डर जो आंदोलन है उसमें किसानों ने वापसी शुरू कर दी है। लेकिन निहंग जो फौज है वो काफी बड़ी फौज है जो इस किसान आंदोलन को मजबूती देती है और घोड़ों पर जो वो चौकीदारा करते हैं इस आंदोलन को जो पूरी मजबूती दे रहे थे, उन्होंने घर जाने की वापसी का फैसला ले लिया है। आज हमने देखा है कि जो उन्होंने गाड़ियों में अपना सामान भरना शुरू कर दिया है, घोड़ों को अपना तैयारी लग रहे हैं, लेकिन वो घर जरूर जा रहे हैं। आपको बता दें कि जो सबसे बड़ी घटना हुई थी सिंगू बॉर्डर पर, क्योंकि इस आंदोलन की सबसे बड़ी घटना वही है, लेकिन यही निहंगों को कहना था कि हमारा अब कोई सुन नहीं रहा, हमारा कोई सहारा नहीं दे रहा, इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं चर्चा रहती है। किसान जो नेता है वो सबसे बड़ी बात यह है कि किसान नेताओं ने जरूर कहा है कि घर वापसी नहीं है अभी, क्योंकि इस आंदोलन से जुड़े हुए मुद्दे अनेक तरह के हैं, जो तारीखों पर तारीख मिलती है कोर्टों की तरह, जैसे कोर्टों में तारीख मिलती है उसी तरीके से किसान आंदोलन में तारीख मिलती है। सबसे पहले कहा कि 1 तारीख को बड़ी बैठक होगी, फिर कहा 4 तारीख को बड़ी बैठक होगी, फिर कहा 7 तारीख को बड़ी बैठक होगी, 4 बैठकें अभी ये जो बड़ी बैठकें बताई हैं। सबसे बड़ा जो गुरनाम चढ़ूनी जो इस चेहरा है जो कि 26 जनवरी के बाद इस आंदोलन को मजबूती दी गई थी, लेकिन वो भी इस वजह से बचते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि उनका जो 5 कमेटी में जो नाम था उन्होंने अपना नाम कटवा दिया है और कहीं ना कहीं जो 5 कमेटी में जो नाम है वो सरकार से बातचीत करेंगे और इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। और जो सरकार से लंबे दौर तक जो बैठकों का दौर जारी है, अब नई बैठकें शुरू होंगी और इसमें कितना समाधान होता है, कितना मंथन होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ा आंदोलन है, ऐतिहासिक आंदोलन है, अंग्रेजों के समय एक आंदोलन चला था जो 9 महीने चला था, ये 12 महीने आंदोलन चला है, तो इसको इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा यह आंदोलन। लेकिन अब इसमें यही है कि किसान नेताओं की खींचातानी जरूर देखने को मिल रही है क्योंकि पहली बार एक बैठक सिंगू बॉर्डर पर जो 3 कृषि कानूनों के वापसी के बाद जो राकेश टिकैत पहुंचे थे और जो 32 जत्थाबंदी है वो पहुंचे थे और सबसे बड़ा जो चेहरा है हरियाणा का गुरुनाम चढ़ूनी वो भी पहुंचे थे, वो मीडिया से बचते हुए जरूर नजर आए। लेकिन अभी जो है मंथन हो रहा है और मंथन जारी है क्योंकि जितने भी जो किसान नेता है वो कहीं ना कहीं आंदोलन को टूटना नहीं चाहते क्योंकि मजबूती के लिए बैठकों का दौर जारी रहता है। 10 किलोमीटर का जो दायरा है वो आसियाने हैं, वो अब जरूर टूटने शुरू हुए हैं, इक्का दुक्का जरूर जो आसियाने हैं वो टूटने शुरू हो चुके हैं, झोपड़ियां जरूर टूटनी शुरू हो चुकी हैं, किसानों में कहीं ना कहीं जरूर खुशी दिखाई दे रही है। लेकिन किसान नेता है वो लगातार वो मना कर रहे हैं अभी घर वापसी नहीं है, लेकिन किसानों ने जरूर मन बना लिया है क्योंकि 3 कृषि कानून जो देश के प्रधानमंत्री ने वापसी लिए थे और राकेश टिकैत का भी कहना था कि 3 कृषि कानून होंगे वापसी तभी घर होगी वापसी, लेकिन अब है जो कहीं ना कहीं राजनीति देखने को मिल रही है और इस राजनीति में मंथन क्या निकल कर आता है ये 7 तारीख को बताया जाएगा। जी बिल्कुल लाजपत, लेकिन निहंगों का ये कहना है कि उन्हें आदेश मिले हैं और आदेश के बाद ही वो अपने घर वापस लौट रहे हैं।
ये हम जानना चाहेंगे कि कौन से आदेश की ये बात कर रहे हैं और आदेश इनको मिले हैं तो कहां से मिले हैं, किसने वो आदेश इनको दिया है, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया यही हमने सुना 4 तारीख को जो बैठक हुई थी जिसमें कहा था कि आंदोलन अभी चलता रहेगा जैसे पहले चल रहा था, जब तक हमारी सभी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, और 7 दिसंबर की एक नई तारीख रख दी थी, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमें आदेश मिला है और आदेश के बाद हम जा रहे हैं, कौन सा आदेश, किसका आदेश? जी बिल्कुल, देखिए जो नईंग बाबा है वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आदेश ये गुप्त सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि कहीं ना कहीं कोई आंदोलन से जुड़ा वह व्यक्ति है जिन्होंने इनसे बातचीत की होगी, उन्होंने कहीं ना कहीं कहा होगा, तभी ये नईंग बाबा ने जाने का मन बनाया है। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी जो ताकत है वो नईंग बाबाओं की है, जितनी भी इस आंदोलन को मजबूती मिलती है या जो भी इस आंदोलन को ध्यान रखते हैं, 24 घंटे की जो ड्यूटी है या सिंगू बॉर्डर पर जो सबसे बड़ी ढाल है वो नईंग बाबाओं की है। तो कहीं ना कहीं अब जो नईंग बाबा ने घर जाने के मन बनाया है तो ये कहीं ना कहीं आंदोलन को लगता है कि अब वापसी की तरफ जरूर दिखाई दे रहा है। जो जत्थाबंदी है, जो 40 लोगों का ग्रुप है, पूरा आंदोलन को जो मजबूती देता है, जो आंदोलन के किसान नेता है उनकी जरूर बातचीत दिखाई दे रही है। फिर से तारीख जो 7 तारीख मिली है इसमें देखते हैं कि क्या क्या मंथन निकल कर आता है, क्योंकि आपको पता है कि जब से देश के प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापसी लिए थे उसके बाद बैठकों का दौर जारी है, किसान नेता इसको मजबूती से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो किसान हैं वो जरूर घर जा रहे हैं, लेकिन कुछ नए भी किसान आ रहे हैं, लेकिन आना जाना तो शुरू से ही लगा है। 1 साल का समय काफी बड़ा होता है, आपको भी पता है कि 1 साल तक जो संयम और शांति से जो किसानों ने आंदोलन लड़ा है ये कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि जो संयम और शांति से जो 12 महीने का आंदोलन चला है, इससे पहले 9 महीने का आंदोलन चला था जो अंग्रेजों के समय चला था, और ये ऐतिहासिक आंदोलन कहा जाएगा क्योंकि ये आंदोलन ऐसा है जो जिसमें संयम और शांति रखी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री जो अनिल विज है वो पहुंचे थे, और अनिल विज ने भी ये कहा है कि कहीं ना कहीं खुशी मनानी चाहिए थी, किसानों को घर वापसी जाना चाहिए था, लेकिन अभी इनमें कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इस आंदोलन को घर वापसी नहीं जाने देती, जो ये कहीं ना कहीं बड़ा बयान है अनिल विज की तरफ से भी, और नईंग बाबा जो घर जा रहे हैं वो भी काफी बड़ी बात है। तो आंदोलन को कहीं ना कहीं लगता है कि अब समेटने की बारी है, क्योंकि अब जो 7 तारीख है उसमें काफी बड़ी बात सामने निकल कर आ सकती है, मंथन हो सकता है, क्योंकि इसमें जैसे कि आपको पता है कि लगातार जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं सिमटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काफी बड़ा आंदोलन हो चुका है। आपको बता दें दिल्ली सिंघू बॉर्डर जो है वो जहां से आंदोलन शुरू होता है और केएमपी तक का 10 किलोमीटर का दायरा है, और दिल्ली की जो चारों तरफ से जो आंदोलन जो घेरा गया था वो कहीं ना कहीं काफी बड़ा आंदोलन है। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका लाजपत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो आप कुंडी बॉर्डर से निहंग वापस लौट रहे हैं जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान नेताओं के लिए अब एक बड़ा चैलेंज यह भी बन गया है कि किसानों को बॉर्डर्स के ऊपर किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि किसान नेता बार बार ये कह रहे हैं कि अभी आंदोलन खत्म नहीं होगा, ना ही आंदोलन खत्म करने का हमारा कोई इरादा है जब तक हमारी सभी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, वहीं प्रदेश के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज रविवार को दोपहर के बाद सोनीपत में वो पहुंचे और उन्होंने कहा है कि अब किसानों को अपने घर वापस लौट जाना चाहिए। आपको बता दें कि जब वो यहां पर पहुंचे थे तो उनसे मीडिया ने सवाल भी करे, और इस दौरान उन्होंने कृषि कानून को लेकर यह कहा है कि कृषि कानून वापस ले लिए गए और किसानों को भांगड़ा करते हुए वापस अपने घर लौट जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कहा है कि ये मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है और निर्णय उन्हीं को लेना है, इसीलिए मेरा इस पर ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं रहेगा। और मोदी जी ने स्वस्थ लोकतंत्र का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के प्रातः उन्होंने स्वयं अनाउंस कर दिया कि तीनों बिल वापस हो गए। तो उस दिन इनको भंगड़े पाते हुए, ढोल बजाते हुए, जलेबियां खाते हुए अपने अपने घरों को वापस चला जाना चाहिए था, लेकिन इनके पीछे कुछ ताकत थी। जो फरीदाबाद एनआईटी वन में जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला पहुंचे और 9 दिसंबर को जेजेपी के स्थापना दिवस पर होने वाली रैली का न्योता कार्यकर्ताओं को दिया। झज्जर में भारी संख्या में पहुंचने की अपील की, कार्यकर्ताओं ने अजय चौटाला का गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। इस मौके पर अजय चौटाला ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और कहा कि 9 तारीख को हुड्डा को झज्जर में दिखाएंगे कि जेजेपी क्या है। बाजारों में भीड़ होने की वजह से
इससे तो 9 तारीख को हमारी जन सरोकार रैली हो रही है पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर झज्जर में, उसका निमंत्रण और न्योता देने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए यहाँ आया था और व्यापार मंडल के इस आयोजन में भी आने का मौका मिला। गाजियाबाद की सड़कें अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा खराब है इस टाइम। आपने समस्याएं लिख करके दी है, मैंने बताया है, इनका समाधान करवाएंगे। अजय जी, जेजेपी का कुनबा बढ़ रहा है लगातार, क्या कहेंगे? कुनबा तो बढ़ना ही चाहिए और बढ़ाने के लिए ही प्रयासरत हैं। सर, जल्द फरीदाबाद में नगर निगम चुनाव है, क्या जेजेपी भी लड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। कृषि कानून के बारे में क्या कहेंगे अजय जी? अभी भी कृषि कानून वापिस ले लिए गए हैं, सरकार ने कमेटी का गठन भी कर दिया, किसानों ने भी अपने 5 नाम दे दिए। अब वो बाकी बातें जो बैठ करके तय कर लेंगे और जल्दी आपको पॉजिटिव खबर मिलेगी। और चलिए एक बार फिर से हम बात करेंगे अजय सिंह चौटाला की, जो परवल पहुंचे, कार्यकर्ताओं से यहां पर उन्होंने मुलाकात की और जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि 9 दिसंबर को झज्जर में एक ऐतिहासिक रैली होने का दावा जेजेपी की ओर से किया जा रहा है, लेकिन पत्रकारों से उनसे कुछ ऐसे सवाल किए जिसका उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा है कि अगर आने वाले समय में इनेलो पार्टी का ओम प्रकाश चौटाला का रुख हमें लेकर नरम रहता है तो हमें एक होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैसला उन्हीं को लेना है। क्या कुछ कहा है जरा आप खुद भी सुनिए। हम ही कहते हैं कि पार्टी में कोई अगर वो अपनी बात पर पुनर्विचार करेंगे तो हम भी सोचेंगे किस तरह से दोनों पार्टी हो जाएगी। वो सभी हम ही कहते हैं कि पार्टी में कोई गुरुग्राम में इस बदलाव की ओर से देखा जा रहा है भारत किताब का विमोचन हुआ है। विमोचन कार्यक्रम में साइबर सिटी के कई समाजसेवी मौजूद रहे, देश के लोगों की मुख्य जरूरतें क्या हैं, इन सब बातों को लेकर किताब के माध्यम से सरकार तक लोगों की बात पहुंचाने का उद्देश्य रहा। किताब के लेखक महेश गोयल की माने तो आजादी के बाद से हमने अलग अलग प्रदेशों में और देश में विभिन्न पार्टियों की सरकारें देखी। जब चुनाव का समय आता है तो हर पार्टी अपने अलग अलग मुद्दे लेकर जनता के बीच जाती है। आज जनता को किस चीज की जरूरत है या नहीं, ये सब जाने बगैर विभिन्न पार्टियों की ओर से जनता को गुमराह करने के लिए लोक लुभावने वादे कर दिए जाते हैं। ये हम कोरोना में खाली थे ना, तो उस टाइम दिमाग में आई कुछ तो करें, अब ये ऐसा मन में आया कि किताब लिखे, जिस ऐसी व्यवस्था बनाए जो कि ठीक हो और आगे तक चले। क्या आपने जो इसमें उद्धार दिए हैं अपने, वो कहाँ से दिए और क्या था जो आपके मन में ये आया कि भारत से देख रहा है बदलाव की ओर? टोटली बातें मेरी लाइफ की है इसमें, जो इसमें परेशानियां हैं वो मैंने देखी है शुरू से लेके आज तक, वो इसमें है, इसके अलावा कुछ नहीं। अफसरशाही के ऊपर क्या आपने इसमें लिखा है? अफसरशाही के ऊपर आपने लिखा है सरकार और अफसरशाही को रिश्वत देता। फरीदाबाद नगर निगम ने अतिक्रमण और सफाई अभियान को लेकर कमर कस लिया। नगर निगम अतिक्रमण हटाने का काम जोर शोर से कर रहा है और इसी कड़ी में नगर निगम की टीमों ने बड़खल विधानसभा क्षेत्र के नंबर 1, 2, 3, 5 में अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चेतावनी दी। टीम ने कहा कि दुकानदार अपना सामान बिल्कुल भी बाहर न रखें, दुकानों के आगे बनाए गए शेड आने 15 तारीख तक हटा लें, वरना नगर निगम बलपूर्वक उन्हें हटाने का काम करेगा। बाहर सामान रखा है वो सारा सामान अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। रोड परम पे सामान नहीं होना चाहिए, जो उनका स्टॉल है उसके अंदर ही सामान होना चाहिए। मार्केट में कोई जाम ना लगे, कोई परेशानी ना हो आम जनता को, इसलिए कोई इंक्रोचमेंट बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। देखो जिसका नुकसान होता है विरोध तो होता ही है, बाकी सारी मार्केट पूरा सपोर्ट कर रही है, ये वो बोल रहे हैं बहुत अच्छा काम हो रहा है और
बहुत। खेलो इंडिया के तहत सोनीपत के साई खेल केंद्र में रविवार को आर्चरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से 9 राज्यों से 307 खिलाड़ियों ने भाग लिया और अब ये खिलाड़ी भविष्य में आयोजित होने वाले एशियन चैंपियनशिप खेलों के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, ताकि देश को अधिक से अधिक आर्चरी में मेडल प्राप्त हो सके। सोनीपत की राई खेल केंद्र में आर्चरी प्रतियोगिता के आयोजक सचिव सुनील शर्मा ने बताया है कि यहाँ पर सैकड़ों खेलो इंडिया के तहत ये आयोजन करवाया गया, ताकि विदेशों में आयोजित होने वाले खेलों में खिलाड़ी निखर जाएं और उनकी हिचक ना रहे और देश के लिए अच्छे से मेडल प्राप्त करें। मैच ऑर्गेनाइज की गई है जिसमें सारे नॉर्थ जोन के प्लेयर्स आए हुए हैं, टारगेट नंबर 27 तो उसमें से हम एनसीए सोनीपत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं चंडीगढ़ और खेल जा रही है अभी मिक्स टीम। तो हमारा ये रहा कि हमारा इंडिविजुअली मेरा गोल्ड मेडल मैच है अभी थोड़ी देर में होने वाला है, रैंकिंग राउंड में मेरा गोल था। इससे पहले क्या क्या उपलब्धि रही है? इससे पहले मेरी उपलब्धि है कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मिक्स टीम और टीम मैच में, और एशियन चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल है। यहाँ पे मैं एनसीओई की टीम में खेल रही हूँ, एनसीओई सोनीपत की टीम में, और इससे पहले मेरे 51 नेशनल मेडल्स हैं और 6 इंटरनेशनल मेडल्स हैं। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ मेरा एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल आया। अच्छा, आगे की क्या तैयारी है? आगे नेक्स्ट ईयर एशियन गेम्स की तैयारी कर रहे हैं। प्लेयरों में जागृति आए, इनको कंपटीशन नया मिले, आगे जाके थोड़ा और एक्सपोजर हो जाएगा, इनको मिलेगा इंटरनेशनल। कैसे ये मैडम जैसे गोल्ड मेडल मैच है वो ये टेबल के पे होता है उधर, वो भी करवा रही हैं। ये दूसरा खेलो इंडिया कंपटीशन करवा रहे हैं, पहला नवंबर में 7 तारीख को किया था, और जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि ये कंपटीशन हर महीने होगा और हर महीने के पहले एतवार को होगा। सोनीपत के गांव रोहट के खेतों में बने मशरूम फार्म के शेडों में अचानक आग लग गई। खेतों में लगी आग देखकर आसपास काम कर रहे ग्रामीण बाल्टी लेकर दौड़े और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ी खेत में जब तक पहुंची, तब तक 10 में से 8 शेड जलकर राख हो चुके थे। किसान देवेंद्र ने बताया कि उसके फार्म के बाद एक बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर जो है वो लगा है, जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट के चलते इसके फार्म में आग लगी। 10 में से 8 मशरूम शेड जलकर खाक हो गए, इससे उन्हें भारी नुकसान हुआ है। कृषि विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और आग के कारणों का जायजा लिया। ये मेरे अपना गांव रोट है, इसमें मेरे साथी भाई देवेंद्र जी का ये फार्म है। ये हर साल अपना खुम्बी उगाता था, आज कल जो है अचानक से इसके फार्म में शॉर्ट सर्किट की बिजली का तार गिरने से काफ़ी नुकसान हुआ। पूरा का पूरा देखो जल गया, क्योंकि कंप्लीट हो गई थी, लगभग उतरने लग रही थी इनकी खुम्बी। इस तरह से बहुत भारी जो नुकसान हुआ है, आज मैं इसका दौरा करने के लिए आया हूँ। मैंने इसका देखा, काफ़ी नुकसान हुआ है, और हमारा प्रयास रहेगा कि भाई जितनी भी सरकार से जो सहायता बन पाएगी इसका, सरकार में हम अपने पूरा पूरा प्रयास करके भाई को पूरा सहयोग देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि किसान जो ना, किसान को इस तरह की मार एकदम से पड़ती है तो ये बहुत भारी झटका होता है। और फिर हमारा क्षेत्र तो इस वर्ष बहुत भारी घाटे में चल रहा है, पिछले 2 महीने भी नहीं हुए वहाँ ओले पड़ गए थे, कितने भारी ओलावृष्टि हुई थी, उससे भी क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हो गया था। अब भाई किसान हमारा बिल्कुल नरम स्वभाव का किसान देवेंद्र, इसके एक और झटका आ गया। तो इस तरह के जो ये झटके लगते रहते हैं किसान, इसमें बहुत भारी इसमें है। मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य के गड्ढे में गिरने से युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई है, क्योंकि जब युवक घर लौट रहा था ड्यूटी खत्म होने के बाद, तो उसके साथ एक युवक मौजूद था। रात को उसने किसी को भी कोई जानकारी नहीं दी। सुबह होने पर पुलिस प्रशासन ने व्यक्ति को अपनी कस्टडी में लिया और परिजनों को पूछताछ का आश्वासन दिया। परिजनों ने चंदावली बाईपास पुल पर जाम लगाकर अपना रोष जाहिर किया। वहीं मौके पर पुलिस बल आश्वासन देकर जाम खुलवाने में कामयाब रहा।
बल्लभगढ़ के बाईपास रोड पर जाम लगा दिया गया है। मैं आपको बता दूं, बीती रात की एक घटना है, जो मुंबई एक्सप्रेस वे जो बन रहा है उसके जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें एक व्यक्ति की गिरकर जान चली गई है, लेकिन परिजनों का कहीं ना कहीं आरोप है कि ये मर्डर केस है, क्योंकि जब वो रात को अपनी जॉब से घर के लिए निकला तो उसके साथ एक और दूसरा व्यक्ति था, वो व्यक्ति फिलहाल पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस अभी कुछ ना कुछ जो छानबीन का हवाला दे रही है कि बहुत जल्द उससे कुछ ना कुछ सबूत निकल कर सामने आएंगे। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर पूरा जो चंदावली पुल है ये जाम किया हुआ है, जो परिजन है वो रोड को जाम करके हुए बैठे हुए हैं और इस पर जल्द से जल्द कुछ ना कुछ एक्शन लेने के लिए प्रशासन को सचेत कर रहे हैं। हर खबर के लिए धीरज कौशिक, पटला विधानसभा। पलवल के गांव अल्लाहपुर फ्लाईओवर के नीचे युवक का शव मिला, जिसकी पहचान आलापुर के ही रहने वाले गोपाल के रूप में हुई। मृतक के परिजनों ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई। परिजनों ने नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा।